वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सीएचएसएल टायर 2, सीजीएल टायर 2 के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 39 इक्वल टू 0 है। हमें एक्स माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5 को होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपके पास तो आप क्या करें, हमेशा x अगर यहाँ पे x माइनस 5 है निकालना तो x माइनस 5 ढूंढे, हमारे जो गिवन कंडीशन है। तो एक्स स्क्वायर में अगर x माइनस 5 चाहिए तो हमें क्या करना होगा, माइनस 5x चाहिए होगा। अब हमारे पास माइनस 13 तो था तो माइनस 5 निकला तो बचा कितना, 8x। अब इस 8 में हम कितने कौन सा नंबर से कॉम 8 को कॉमन निकालेंगे कि मेरा 5 आ जाए, तो 40 है। और सिंस ये माइनस में था तो यहाँ पर ये प्लस में होगा। अब हमारे पास था कितना क्वेश्चन में, 39, तो माइनस 1 तो करना पड़ेगा क्योंकि 39 हमें लाना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से 40 लिख नहीं सकते, 40 लिखे तो 1 घटाना पड़ेगा तभी 39 लिख सकते हैं। तो इन दोनों से आप x कॉमन निकाल सकते हैं तो कितना बचेगा, x माइनस 5। इन दोनों से आप 8 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा x माइनस 5। इस 1 को हम लोग वहाँ उधर ले जाते हैं तो ये हो गया x माइनस 5। अब इन दोनों से कॉमन निकल गया x माइनस 8 इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप कि x माइनस 8 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 5, है ना। अब हमें फिर से यहाँ पे x माइनस 5 करना होगा तो क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5। अब इस 1 बाई एक्स माइनस 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 5 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। तो देखिए हमारे पास अगर x माइनस 1 बाई 5 को हम लोग y पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू, सॉरी 1 बाई वाई इक्वल टू 3। अब हमें इसका स्क्वायर फाइंड करते, उसे बोथ साइड स्क्वायर करें आप तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू 9। तो वाई वाई कट गया, 2 आके इधर ऐड हो गया तो 11। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 11। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, कमेंट करें इस पर कैसा लगा। आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो प्लीज़ हमें बताएं, आपको हम डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। और सब्सक्राइब करें चैनल, देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।